नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है TrucksBuses.com के YouTube चैनल पे। टाटा ने 11 टन कैटेगरी में CNG के साथ 1109G मॉडल उतार दिया है। जहां आपको पहले टाटा की तरफ से 407, 909 और 1412 मॉडल मिलते थे, अब यह भी मिलेगा। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इसमें, जैसे प्राइस, एप्लीकेशन, माइलेज, पेलोड और भी बहुत। ये ट्रक आपको 11.5 टन के GVW के साथ लगभग 60 टन का पेलोड कैपेसिटी देता है। ये आपको दो व्हील बेस ऑप्शन के साथ मिलता है, 3800 mm और 4920 mm। इसके ऊपर आपको तीन बॉडी लेंथ ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि पहले सिर्फ 17 और 20 फीट के होते थे। साथ ही टाटा ने रिसेंटली 22 फीट का लेंथ ऑप्शन भी लॉन्च कर दिया है, जो लॉन्ग डेक लेंथ की वजह से लाइट गुड्स मूवमेंट एंड ई कॉमर्स जैसे एप्लीकेशन के लिए जबरदस्त होता है। इसमें मिलता है आपको ऑल स्टील डे कैबिन। इसके साथ आप तीन कॉन्फिगरेशन ले सकते हैं, जैसे कैबिन चेसिस, कैबिन विद फिक्स्ड साइड डेक एंड कैबिन विद हाई साइड डेक। इसे आप फ्रूट, वेजिटेबल, पार्सल कुरियर, लॉजिस्टिक्स, मार्केट लोड एवं कास्केट कैरियर जैसे एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। इससे कम्पीट करते हैं आइशर प्रो 2095 EP CNG और SML Isuzu Samrat GS। आइए देखते हैं इसके फ्रंट फेस को। सामने के हमें मिलता है एक वाइट ग्रिल और मिलता है टाटा का क्रोम लोगो। दोनों तरफ मिलेंगे हेलोजन लैंप्स और साइड इंडिकेटर्स, जो कि रैप अराउंड शेप में है। नीचे की तरफ मिल जाता है मेटल बम्पर, जो कि सिंगल पीस है। उसके नीचे एक और अंडरबॉडी प्रोटेक्शन के लिए बम्पर मिल जाता है और दोनों ही तरफ मिले हैं एक एक रिफ्लेक्टर्स। ऊपर की तरफ देखें तो हाइट मार्कर लैंप्स मिल जाते हैं और आपको मिलता है एक सिंगल पीस विंडस्क्रीन, जो कहीं ना कहीं ड्राइवर के लिए एक पैनोरामिक व्यू देता है और सेफ्टी को इंक्रीज करता है। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको दो ग्रैब हैंडल्स, जो कि सफाई वगैरह और रिपेयर वर्क के लिए काफ़ी उपयोगी है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए एक मिरर, जो कि इस नीचे वाले ब्लाइंड स्पॉट को कवर करता है और ड्राइवर अच्छे से सेफली से चला पाता है। इसमें 3.8 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है। ये 85 HP की मैक्सिमम पावर देता है, साथ ही 285 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, 1200 से 1800 RPM की वाइड रेंज पे, जो कि फ्लैट टॉर्क मिलता है। जैसे कि ये गाड़ी शहर के एप्लीकेशंस के लिए बनी गई है, इसके अंदर ट्रैफिक सिचुएशन में आपको बार बार गियर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। बेहतर माइलेज के लिए इसके अंदर स्किप फायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर अगर आप आइडल खड़े हैं लॉन्ग रेड लाइट्स पे या फिर सुबह सुबह आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इस दरमियान आपके 4 सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्ट ना करते हुए सिर्फ 2 सिलेंडर में ये फ्यूल इंजेक्ट करता है, जिससे कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में CNG की बचत होती है। यही सेम इंजन टाटा की BS4 गाड़ियों में भी उपलब्ध था, जिसे टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करके BS6 कंप्लायंट बनाया गया है। 5-speed गियरबॉक्स है इसमें 280 mm के क्लच के साथ। क्लच बूस्टर भी मिलता है, जिससे गियर चेंज करते समय पैडल एफर्ट से होने वाली थकावट कम हुई है। और ये ड्राइव लाइन कॉम्बिनेशन आपको 21% की क्रेडिबिलिटी देता है, यानी चढ़ाई चढ़ने की क्षमता। 5 mm थिकनेस वाला हैवी ड्यूटी लैडर फ्रेम चेसी पे ये ट्रक बेस्ड है, जिसकी गहराई 200 mm की है। आगे और पीछे सस्पेंशन के तौर पर दिया गया है सादा पट्टा का मानी। इसमें 8/25/16 के 6 रेडियल टायर्स दिए गए हैं, जिससे आपको मिलता है 217 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। इसमें आपको 300 और 430 लीटर वाटर कैपेसिटी वाले CNG टैंक्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर लगभग आप 78 किलोग्राम CNG डलवा सकते हैं। CNG डलवाने के दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक फास्ट फिलिंग एंड एक स्लो फिलिंग। जिस CNG पंप पे आपको फास्ट फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, वहाँ पे आप स्लो से भरवा सकते हैं। इसके CNG किट में काफी सारे वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड कंपोनेंट्स का यूज किया गया है, जैसे हाई प्रेशर एल्यूमिनियम फिल्टर, रीफ्यूलिंग इंटरलॉक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक विस्कस फैन और ऑटो शट ऑफ वाल्व। और साथ ही मिलती है आपको 7.5 किलोमीटर प्रति KG की लगभग माइलेज। इसके अंदर मिलते हैं एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, जो कि कहीं ना कहीं ब्रेकिंग एफिशिएंसी को काफी इंप्रूव करते हैं। पीछे की तरफ सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए दिए गए हैं 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर, जो इस तरह से प्लेस्ड हैं जिससे कि पीछे का सारा एरिया कवर हो जाता है। और जब आपकी गाड़ी रिवर्स गियर में हो और कोई सामान या गाड़ी आपके नजदीक आती है, तो ये कैबिन में ड्राइवर को बीप साउंडिंग सिग्नल्स देने लगता है। तो आइए अब चलते हैं इंटीरियर में। इसके इंटीरियर में दिए गए हैं अच्छे फिट एंड फिनिश और साथ में मिलते हैं आपको कई सारे फीचर्स। स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। ये 2-spoke स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, जिसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से, ऊपर नीचे और आगे पीछे। अब बात करते हैं इसकी सीट की। इसे 4-way एडजस्टमेंट दी गई है, जिसमें बैक रेस्ट आप आगे पीछे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही ये पूरी की पूरी सीट आगे पीछे कर सकते हैं। और सीट इसमें मैकेनिकली सस्पेंडेड भी दी गई है। बगल में आप देखें तो इसके अंदर 2 co-driver सीट मिल जाती हैं, जो कि ओवरऑल 3 sitting पोजीशन देती हैं आपको। यहाँ पर दिए गए हैं ब्लोअर की सुविधा और ये हैं ब्लोअर के वेंट्स। उसके नीचे मिलता है आपको म्यूजिक सिस्टम, जो कि सफ़र को कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग बना देता है।
ऊपर की तरफ दिए गए हैं दो हाई स्पीड चार्जिंग पॉइंट्स, जिससे कि आप अपने डिवाइसेस को चार्ज अप रख सकते हैं। इस कोने में दिया गया है आपका लॉकेबल ग्लव बॉक्स, और इसके दरवाजे में मिल जाते हैं आपको यूटिलिटी स्पेस दोनों ही तरफ, और दोनों ही तरफ आपको बॉटल होल्डर्स भी मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पे मैगजीन होल्डर की भी सुविधा दी गई है, और यहाँ पे एक पकड़ने वाला मजबूत ग्रैब हैंडल जिसे आप पकड़ के अंदर की तरफ चढ़ सकते हैं, और आपको यहाँ पे ओवरऑल 6 प्रॉक्सिमिटी मिरर्स मिल जाते हैं, 2 इस तरफ, 3 इस तरफ और 1 सामने, जो कि सारे ब्लाइंड स्पॉट को अच्छी तरीके से कवर करते हैं। कैबिन इंटीरियर के लिए दी गई है यहाँ पे एक लाइट, और पीछे ही मिल जाता है आपको स्लाइडिंग विंडो अच्छे एयर सर्कुलेशन के। स्टीयरिंग के सामने है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको स्पीड और आरपीएम के डायल्स मिलते हैं, साथ ही आप बैटरी हेल्थ, ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर शिफ्ट एडवाइजर जैसी तमाम जानकारी देख सकते हैं। टाटा का एडवांस्ड फ्लीट एज टेलीमेटिक सिस्टम भी इसमें इंक्लूडेड है, जिसे ऑनर अपनी पूरी फ्लीट को एक मोबाइल ऐप की हेल्प से कनेक्ट करके मैनेज कर सकता है। मेंटेनेंस और रखरखाव के लिहाज से इसमें 3 साल या 3 लाख किलोमीटर की ड्राइव लाइन वारंटी मिलती है, और आपको इसे 20,000 किलोमीटर पर सर्विस करवाना होगा। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 16,90,000 रुपये से। और भी तमाम जानकारी के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो ज़रूर लाइक बटन भी दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए कमर्शियल व्हीकल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।